लड़का जब ठान ले कुछ करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, मंजिल को घींच कर अपने पास भी ला सकता है। जंगल में जाते हैं तो क्या माहौल बनता है वहाँ? माहौल बनता नहीं, माहौल बिगड़े। इस कुराल का देख सकते हैं, इससे राजा यादव यहाँ पर कोड़ाई करते हैं। वही चीज तो बचानी है जो हमारी धरोहर है, उसी को तो आगे बढ़ाना है। पीते हैं तो बाल्टी कच्चा दूध भी ढड़क जाता है। वाहेगुरु ने सबनों एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? ये पास्टर पता ही नहीं चलता है मेरे आगे। भाई रोह का गया, मेरा एक छोटा सा 2 साल का भतीजा 2.5 लीटर तो ये पीता है। जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां पर कदम रखते हैं जहां पर कोई रास्ता नहीं होता। इसी को लेकर इस समय हम लोग यादव ब्रांड राजा यादव यानी बिहार का देहाती टार्जन के पास पहुंचे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर इस समय काफी ज्यादा वायरल है। सामान यहां पर देख सकते हैं, देहाती जुगाड़ से अपने बॉडी को स्टील बनाए हुए हैं। इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर, हर जगह पर वायरल है और नेशनल चैनल पर भी इस समय राजा यादव का वीडियो चलाया जा रहा है या राजा यादव की कहानी के बारे में बताया जा रहा है। लगभग 1 क्विंटल का है, ये भी उठा लेते हैं। और यहाँ पर जो कुदाल से मिट्टी की कुड़ाई करते हैं, उस कुदाल का वजन भी यहाँ पर 16 किलो है। मोटाई इस कुदाल का देख सकते हैं, इससे राजा यादव यहाँ पर कुड़ाई करते हैं। और देहाती लड़का जब ठान ले और यादव का लड़का जब ठान ले कुछ करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, मंजिल को घींच कर अपने पास भी ला सकता है। और जब दूध पीते हैं तो बाल्टी कच्चा दूध भी ढड़क जाते हैं। कैसे हैं राजा भाई? जी बहुत बढ़िया हूँ। सोशल मीडिया पर तो आप काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल है, क्या कहेंगे? जी अच्छा लग रहा है कि अगर कोई बच्चा अगर सही डायरेक्शन में काम करे। आजकल का ट्रेंड चला है कि वो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे मतलब अश्लील चीज़ें दिखा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे जो यूथ है उसे भ्रमित कर किया जा रहा है। तो इस ज़माने में अगर मेरे जैसे यूथ को अगर दर्शक सपोर्ट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही राह पे काम करने के लिए आप लोग उनके साथ है। तो मैं आज के यूथ को यही बोलूँगा, भाई आप सही डायरेक्शन में काम कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने कल्चर बढ़ाने के लिए आगे बढ़िए। जो हमारी धरोहर है, जो हमारे दादा परदादा किए हैं, जिससे हमारी पहचान, जो हमारी पहलवानी है उसे बचाया जाए, जो हमारा खेल है उसे बचाया जाए। ये सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन ठान ले तो जरूर मिलती है। और यादव नाम ही ब्रांड होता है, काफ़ी होता है। टार्जन आपका कब से नाम पड़ा, देहाती टार्जन, बिहारी टार्जन? देखिए क्या है ना कि मैं जब पहलवानी करता था तो थोड़ा सा और रनिंग, जब मैं जंगलों में जाता था रनिंग करने के लिए तो लाठी वगैरह अपने साथ ले जाया करता था अपने सुरक्षा के लिए। तो मतलब उधर से जब लाठी का एक आध वीडियो मेरा सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो वहाँ से लोगों ने मुझे टार्जन के नाम से मतलब संबोधित करने लगे, बोलने लगे कि हेमंत बीर जी कहाँ से आ गया, फिर से 90 के दशक का लड़का कहाँ से आ गया। तो ऐसे ऐसे टैग चलने लगा और बड़े बड़े चैनल वालों ने इसी नाम से मुझे संबोधित करना चालू कर दिया, क्योंकि मेरा दिनचर्या ही वैसे ही रहता है। मतलब आप अपना नाम खुद नहीं रखे थे, लोग रखे? देखिए मेरा खुद का नाम नहीं है, मैं खुद अपना नाम सर्च करता हूँ तो मेरा वीडियो नहीं आता है। मैं खुद बिहारी टार्जन लिखता हूँ तो मेरा नाम आता है और मेरा जो भी पैडटा है, दिनचर्या है, जो रूटीन है वो आता है। तो अभी तो सारे लोग बिहारी टार्जन ही बोलते हैं। सबसे पहले वायरल वीडियो था रनिंग का वीडियो वायरल होता रहता है मेरा, क्योंकि जो रनिंग का जो मेरा वो स्टाइल है या जो फैशन है समझिए कि लोगों को आकर्षित करता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो रनिंग का वीडियो हमेशा चलते रहता है। जी अच्छा, इतना सॉलिड बॉडी है, जिम में करने के बाद ऐसे लड़के नहीं बना पाते हैं? नहीं, देहाती जुगाड़ से ऐसे आप बना? मेरे से अच्छे अच्छे हैं लड़के जिम में, वो बात अलग है। मैं नेचुरल पे काम करता हूँ, अपना घर का खाना खाता हूँ और जो मेरे पास सुविधाएं हैं मैं इतना ही से मेंटेन कर लेता हूँ अपना। मुझे कोई बड़ा फैसिलिटी वगैरह की सुविधा नहीं है, जितना है देसी है इतना ही मेरे लिए बहुत है। इसी से मैं अपने आप को थकाता हूँ और जो वर्कआउट करता हूँ इसी से करता हूँ। देसी है, देसी जुगाड़ से बॉडी बनाते हैं, कच्चा दूध भी एक बाल्टी पी जाते हैं। जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि मैं यादव ब्रांड हूँ, यादव लड़का हूँ, तो जाति पे ये बात नहीं है, लेकिन खैर वो चीज़ें आती है, असर करती है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, मैं यादव हूँ और बचपन से गाय भैंस पालना मेरी पैसा है। तो कच्चा दूध हमको लगता है हर एक यादव का, वो कोई ये मतलब बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है कि वो बचपन से पीते आता है। एक बाल्टी काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखिए एक बाल्टी अदर मतलब देखिए ये सोचने वाली बात ज़्यादा कुछ खास नहीं है,
अगर कोई यादव परिवार को होगा तो उसके लिए एकदम इजी है, क्योंकि बचपन से दूध पीते आते हैं लड़के, खान से निकलता है सीधा, देखे तो रील में कि डरक जाते। देखिए अदर अदर मतलब अदर लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़का बचपन से पीते आ रहा है, और मैं एक पहलवान का लड़का हूँ, मेरे पिताजी पहलवान है, तो आप समझ सकते हैं मैं दूध का वो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लीटर तो मेरे को तो 5 लीटर मतलब तो ऐसे बुलाए थे तो 5 लीटर, मैं बोलता हूँ यार 5 लीटर का बात है यार, इतना ज़्यादा कैसे हो गया 5 लीटर भैया, 5 लीटर पता ही नहीं चलता यार मेरे आगे 5 लीटर हो कहाँ गया। मेरा एक छोटा सा 2 साल का भतीजा 2.5-3 लीटर तो वही पी जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। आप कितना टोटल पीते हैं? देखिए मैं अभी दूध का सेवन कम करते हैं, मैंने 5-6 लीटर तो रहता ही अभी, 4-5 लीटर 6 लीटर मतलब तौल को तो नहीं पीते हैं। एक बाल्टी में दूध आता है भैया, और उसमें से 2.5 लीटर तो मतलब रस पानी में ख़त्म होता है, और जो बचता है पनीर आधा ही जमाता है। पिता भी पहलवानी करते हैं? जी मेरे पिताजी भी पहलवान हैं। आप भी पहलवान? दंगल में जाते हैं तो क्या माहौल बनता है वहाँ? माहौल बनता नहीं, माहौल बिगड़ जाता है भैया, जैसे हम आपको वीडियो दे देंगे आज दंगल का माहौल बिगड़ जाता है भैया। देखिए अगर बाप बेटे एक साथ अखाड़े में घूमते हैं तो अच्छा लगता है भैया। देखिए मेरे को वही चीज़ तो बचानी है जो हमारी धरोहर है, उसी को तो आगे बढ़ाना है, जो हमारी पहचान है। मैंने बताया ना भैया कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, जिससे हम लोग, जैसे कि हमारी जो पहचान है, मेरा अभी जो भी चीज़ देख रहे हैं सब अखाड़े का ही देन है, पहलवानी का ही देन है कि आप मेरे पास आए हैं, तो ये मेरी पहचान हुई, ये मेरी उत्पत्ति हुई, तो मैं इसके बढ़ाने के लिए, इसको बचाने के लिए जो भी होगा उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी धरोहर, अपनी पहचान यादों का वो जी बचा कर रखना है, आगे बढ़ाना है। जी आगे बढ़ाना है, उसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट से। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे बिहार के हरेक जिले में एक व्यायामशाला हो, और एक दौड़ने का ट्रैक हो, जो आर्मी के बच्चे बाहर जाके दौड़ते हैं, रोडों पर दौड़ते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मैं बस वही मांग कर रहा हूँ कि बिहार के हर एक जिले में एक ग्राउंड, एक व्यायामशाला हो, कि हमारे जो यूथ हैं उनको कहीं जाने की परेशानी ना उठानी पड़े, और कम खर्चे में सही से प्रशिक्षण कर लें और अपने देश के लिए मेडल लें।